कांग्रेस के सरकारों को वो डांटती है, वो कहती है भाई ये सब फुकड़ दे रहे हैं। मोदी के जमाने में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा। अरे भाई, जो गरीब की कमाई है, गरीब के कमाई से सरकार बनती है। कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया? जैसा कि मोदी जी आने के बाद ही देश सुधर गया, या स्कूल खोले गए उन्होंने आने के बाद ही, मोदी आने के बाद ही सब कुछ हुआ। को सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो, इधर उनका कोई देखना नहीं है, वो देखते ही नहीं, सिर्फ भाषण करते हैं, बातें वायदे करते हैं, लेकिन वो वायदे भी कभी निभाते नहीं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मोदी जी ने कहा था मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नौजवान लोगों के लिए बोला था, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। किसानों का मेहनत या किसानों का आमदनी दोगुना करने का कहा था, उन्होंने नहीं किया। तो झूठ के ऊपर झूठ, यह हमेशा मोदी जी ऐसा ही करते हैं और सिर्फ दोष देते हैं कांग्रेस को और कहते हैं कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया। जैसा कि मोदी जी आने के बाद ही देश सुधर गया, या स्कूल खोले गए उन्होंने आने के बाद ही, मोदी आने के बाद ही सब कुछ हुआ, ऐसा वो दिखाते हैं। अरे सब कुछ इस देश में हुआ है आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ से। इस देश में जो लोकतंत्र की बुनियाद रखी, उस आधार पर आज लोकतंत्र मजबूत होकर चल रहा है और मजबूत होकर आज महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। आप पहले तो किसी महिला को अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने सब मिलके इस देश का संविधान ऐसा बनाया कि जिस दिन हमको आजादी मिली उसी दिन से सब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, उन्होंने किया। विकसित देशों में, बड़े बड़े राज्यों में, वहां पर महिलाओं को वोटिंग पावर नहीं था, लेकिन हमारे पास वोटिंग पावर दिया गया। उसी तरह हर काम हमारे देश के नेता महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, ये सभी लोग मिलके देश की उन्नति किए। लेकिन आज बीजेपी बगैर कुछ करे सब क्रेडिट लेती है, और जो कुछ देने की बात करती है तो भी कांग्रेस के सरकारों को वो डांटती है, वो कहती है भाई ये सब फुकट दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, इसीलिए देश की जो डेवलपमेंट है, देश में जो प्रगति होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये जो हमको, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्योंकि गरीबों के लिए वो कुछ देना नहीं चाहते। ऐसे लोग 18 साल
या हुकूमत में है, इससे पहले भी हुकूमत में थे, लेकिन कभी उन्होंने किसानों के तरफ, गरीबों के तरफ देखा नहीं। आज आदिवासियों के लिए कितने सीट रिजर्वेशन है? 47, लेकिन हमने 48 सीट दिया, 48 सीट दिया, एक बढ़कर दिया, क्योंकि जहां पर जो अच्छा काम करता है उनको प्रोत्साहन देना, ये हमने किया। ये बीजेपी नहीं करती, बीजेपी तो चाहती है कि गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर बने। इसीलिए तो आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% आमदनी है, पैसे हैं, जिसको हम वेल्थ कहते हैं, राष्ट्रीय जो आर्थिक जो पैसा जिनके पास है, वो 5% लोगों के पास 60% है, और जो 50% लोग गरीब है उनके पास 3% है। तो इनके जमाने में, मोदी के जमाने में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। इस दूरी को निकालना है तो कांग्रेस को आगे बढ़ना है, और जो अभी हमारे कमलनाथ जी ने कहा, उनके छोटी सी 11 महीने के जो चीफ मिनिस्टरशिप में उन्होंने क्या क्या दिया, वो एक एक करके उन गिनाया, आप खुश थे। उससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए सुख और समृद्धि चाहिए, फिर एक बार कांग्रेस को वोट देकर मजबूत बनाओ, आप जो मांगेगा वो मिलेगा। ये लोग तो बोलेंगे, ये तो कम से कम हम लोग जो दे रहे हैं, जो वायदा किए वो जरूर देंगे। अरे भाई, जो गरीब की कमाई है, गरीब के कमाई से सरकार बनती है, सरकार के पास पैसा आता है, उसी गरीब को देने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? आपके घर घर से नहीं देते? कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री अपने घर से नहीं देता? जो मेहनत करके आप पसीना टपका कर जो कमा के टैक्स देते हो, वही पैसा आपको वापस आता है, ये समझो आप। लेकिन वो लोग आपको भूल भुलैया करते हैं, बोलते हैं, और आदिवासी बारों के खूब बोलते हैं कि हम माने के बाद आदिवासियों को और दलितों को बहुत कुछ करें। मैं दो उदाहरण आपको देता हूं, इनकी प्रेम, इन्होंने कितना दिल से आदिवासी को चाहते हैं या दलितों को चाहते हैं। परसों जो एक नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग प्रधानमंत्री ने ओपन किया, उसको इस देश के राष्ट्रपति मुर्मू जी आदिवासी है, उनको नहीं बुलाया गया। क्यों? अरे राष्ट्रपति तो सबसे ऊंची पदवी है, जब वो है गांव में और आप उद्घाटन करते हो, उनके हाथ से नहीं करवाते, क्योंकि वो आदिवासी है। खुद प्रधानमंत्री जाते हैं, वो करते हैं, उसकी बुनियाद डालते वक्त भी कोविंद प्राइम मिनिस्टर, कोविंद राष्ट्रपति थे, उनको उस दिन भी नहीं बुलाया गया। यानी बुनियाद डालते वक्त भी शेड्यूल कास्ट का आदमी था, उनको आने नहीं दिए। उद्घाटन करते हुए भी उन्होंने मुर्मू को नहीं बुलाया। ये अंदर है, एक मुख में राम
बगल में छुरी। ये लोग हैं, ये कब किसको क्या करते हैं मालूम नहीं होता। वोटों के लिए बहुत बोलते हैं, हमने मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। अरे जब आप राष्ट्रपति बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, जब आदिवासियों को, दलितों को आप उनको इज्जत नहीं देते, उनके स्वाभिमान को धक्का देते हो, क्या फायदा? कौन सी पदवी दिए तो क्या भी फायदा, कुछ फायदा नहीं। लेकिन आपको सम्मान करने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है। पहले इंदिरा गांधी जी ने दलित को देश का उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, उसके बाद में महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने बनाया, और उसी तरह हमारे पार्लियामेंट के लोकसभा के अध्यक्ष वो भी शेड्यूल कास्ट की महिला बनी। अरे हमको सिखाते हो जो लोग उन लोगों के लिए, आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान दी, उन लोगों को आप कह रहे हो कि आप कुछ नहीं करे देश के लिए। तो भाइयों, आप लोगों को सोचना है कि आप लोग अगर कांग्रेस के झंडा और डंडा उसका मजबूत करे तो आप देखिए देश में परिवर्तन होगा, और यहां पर खास करके मध्य प्रदेश में भारी परिवर्तन होगा। ये जो चौहान साहब है, अब उनको याद आया जो गरीब लोगों का, मैं देख रहा था दो तीन जगह फोटो उनके, वो अब जैसा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वैसा ही ये चौहान साहब क्या कर रहे, कहीं महिला मिली कोई अगर नमस्ते करी तो उसको गले लगा ले रहे, वो फोटो देखे ना परसों तरसों आया था, और कहीं बच्चा मिला तो उसको उठा के लाडली बोल के बगल में ले रहे। अरे वही 18 साल से उस बच्चे को नहीं देखे, 18 साल से उस बूढ़ी माँ को नहीं देखे, अब इलेक्शन आते ही तुम्हारे को याद आ रहा है, अब इलेक्शन आते ही आप उसको उठा रहे बगल में लेके, आप इलेक्शन आते ही उसके तरफ देख रहे हैं। ऐसे नकली लोगों को, उनके बातों को कभी उसके भूल उसमें झांसे में नहीं आना चाहिए।